कारगुन कबीले का ओहदा मेरे दामाद आक तैमूर का होगा। वो ओक्ताम की अमानत संभालेगा। आक तैमूर, तुम कुछ बोलो। बेंगे खातून, वालिदा ऐसा ही चाहती हैं। अलचेचक ने मुझे कल बताया लेकिन अभी तक मैंने अपना फैसला नहीं किया है। आखिर आप चाह क्या रही हैं बेंगे खातून? आप उस्मान साहब को बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या जो हो रहा है वो काफी नहीं? ये कोई चाल नहीं है वालिदा। बाबा की अमानत आक तैमूर के हवाले करना चाहती हैं। आप इस पर नाराज क्यों हैं? उस्मान साहब क्यों मुत्तफिक नहीं होंगे? तो तुम भी इस पर राजी हो? हाँ अलचेचक, तुम इतनी जल्दी भूल गए कि तुम्हारी वालदा ने क्या किया? क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? बोलो आक तैमूर। आयशा खातून, ये मेरा कबीला है, अपने लहजे और बातों को देखें। मेरे शौहर शहीद हो गए हैं, आप किस चाल की बात कर रही हैं? सरदारान में अफरा तफरी फैल रही है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं उस्मान साहब से छुपाऊंगी। हमें कुछ करने से पहले किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपके हर अमल के पीछे एक मंसूबा मौजूद होता है। आप चाल की बात करती रहे, कौन सी चाल? मैं अपने कबीले का सरदार अपने दामाद को बना रही हूं, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं या आक तैमूर पर? आक तैमूर हर चीज संभाल लेंगे, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी बेटी, और ये तुम्हारे लिए मेरे आखिरी अल्फाज हैं आक तैमूर। आक तैमूर, हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं मगर हम इसके लिए इजाजत नहीं देते। सरदारान, खेमे में जाएं, मैं आती हूं। जिरगा शुरू हो जाएगा। अब अपना फैसला करो आक तैमूर। अगर तुम इस अमानत को संभाल सकते हो तो जिरगा इस तरफ है, और अगर नहीं तो दरवाजा उस तरफ है। चलो, सरदारान को इंतजार ना करवाएं। अलचेचक, चलो बेटी। वालिदा, चची, ये बताइए कि आप लोग उसके इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं इसके लिए तुम्हें अपना शर्फ नहीं देती। तुम इस सौदे पर नहीं बैठोगे। आपकी वालिदा ने ठीक कहा, किसी पर भरोसा करके इस ओहदे पर बैठना सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा।
उस्मान, उसे यहां होना चाहिए था। क्या उसे पता चल गया होगा? हर जगह अपने सिपाही भेजो, उस्मान को ढूंढे बगैर कोई वापस ना आए। तुम सब अगर उस्मान को ढूंढ ना सके तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा। तुमने खुद को भेड़िया और हमें भेड़ समझा। याद रखो, मेरे घर में जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। भेड़िया बनने के लिए सिर्फ पंजों की नहीं, अकल की भी जरूरत होती। तुम में बहुत खामियां हैं, तुम्हारा अंजाम करीब है। नहीं छोड़ूंगा उस्मान, ये खत तुम्हारी मौत का फरमान है। उस्मान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं भी जाओ या कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मुझसे तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। मैं यनी शहर को तबाह और बर्बाद करने जा रहा हूं। सुना तुमने? जाओ तैयारी शुरू करो। उस्मान तुम पर घात लगाना चाहता है कमांडर नायमान। मुझ पर घात? ऐसी कोई घात नहीं जो मुझे रोक सके। मैं वो शेर हूं जो अपने जिस्म पर दुश्मन के तीरों को काट फेंकता है। मैं उसे तबाह करने जा रहा हूं। उस्मान के खानदान को जब तक तबाह और बर्बाद नहीं कर देते, हमारी तलवारें रुकेंगी नहीं। चलो। चलिए तशरीफ रखिए। बोरान, बताओ सूरत हाल क्या है? जनाब, तमाम घर खाली करा दिए हैं। लोगों को एनागोलपा हिफाजत मुंतकिल कर दिया गया। तमाम वो बहादुर जो तलवारें उठा सकते हैं वो हमारे साथ हैं। हमने अपने आदमी को हर जगह तैनात कर दिया है जनाब। वो उन काफिरों को तबाह करने के लिए तैयार है। अच्छा है, अच्छा है। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ कोनूर। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बाइंदर का पीछा किया। फर्ज मैंने तुर्गुत साहब को सौंपा। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। अब तुर्गुत और उसके सिपाही बाइंदर के जरिए मोहर तक पहुंचेंगे। उस दौरान वालिदा सुल्तान और बाला खातून कोनिया पहुंचकर सावेली को तबाह करेंगी और हम यहां नायमान से निपटने के लिए जाएंगे। क्या वो आएगा सरदार? अगर वो मेरी लिखी हुई तहरीर के बाद भी नहीं आता तो उसका मतलब कि वो काबू रखता है अपने गुस्से को। लेकिन अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है उसे। उसका गुस्सा और तकब्बुर उसे यकीनन यहां लेकर आएगा। वो जरूर सामने आएगा। पर अब थोड़ा नजदीक आ जाएं सभी। आ जाइए, आ जाइए। हर चीज से हम उन लोगों का पहला हदफ ये हवेली होगी। इसीलिए तीरंदाजों को हम छत पर खड़ा करेंगे, बिल्कुल यहां पर। और उसके बाद मेरे बेटो, दोनों यहां करीब आ जाओ। आ जाओ, देखो। अलाउद्दीन और हान, यहां से तुम दोनों अपने तीर अंदाजों के जरिए सिपाहियों को रोकोगे। क्या ये वाजे है ना बेटा? हाँ जी, बिल्कुल सरदार। शुक्रिया। जो आपका हुक्म सरदार। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से सिपाही यहां मैदान में होंगे। हम उन्हें अपने जालों की तरफ खींचेंगे जो हमने बहुत पहले से लगा रखे हैं उनके लिए। जैसे ही उनसे लड़ाई शुरू हो जाएगी, भाई सुंगुर, हाईकुर्त, तुम उन सब पर दूसरी तरफ से हमलावर हो जाओगे। अगर वो वहां से निकलते हैं
तो उनका सामना गर्म तेल से होगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। देखते हैं उसके नौकर कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। नौकर एक परिंदे की तरह होता है जनाब। जो गुस्से का दोस्त है वो मौत का दोस्त है। चलो आ जाओ तुम भी नायमान। यहां कोई नहीं आया, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आने वाला सरदार कहां है? सरदार शामिल नहीं होगा, फिर हमें सरदार का इंतखाब करना चाहिए। क्या ख्याल है सरदारान? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वालिदा, वो नहीं आएंगे। अगर वो अपना इंतखाब कर चुका है तो हम भी अपना इंतखाब करेंगे। सरदारान, नए सरदार के लिए मेरा इंतखाब, मेरा दामाद गुंदस साहब का बेटा आक तैमूर है। अगर किसी को एतराज है तो अभी बोले। आप हमें काइयों का कैदी बनाने के लिए आप आक तैमूर को सरदार बना रही हैं? किस कैद की बात कर रहे हो? सिर्फ इतना बताइए, क्या काइयों ने साला साल आपकी आजादी की जंग नहीं लड़ी? जो तुम्हारे लिए लड़े उन पर इस तरह इल्जाम तराशी का क्या मतलब है? ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। हकीकत क्या है जानते हो? इस चरगे में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैं कारकन कबीले का सरदार हूँ, दफा हो जाओ। सरदारी मुबारक हो आक तैमूर साहब। तो फिर सरदारी मुबारक हो आक तैमूर साहब। अब ये तलवार तुम्हारी, ओहदा तुम्हारा और कारगुन कबीला तुम्हारा। सिपाही, Thank you.
मैं अपनी अमानतें हाकिम के सुपुर्द कर रही हूँ। क्या आप सब गवाह हैं? हम गवाह हैं। क्या सब गवाह हैं? हम गवाह हैं। क्या सब गवाह हैं? हम गवाह हैं। आपकी अमानत मेरी अमानत है, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। आपकी जान मेरी जान। अगर आप सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे अपना सरदार कबूल करते हैं तो मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। गरीब आ जाओ।